यानी धंधा जोड़ों पर है, हमारे मंदिरों को ही लूटकर संग बढ़ा है, अब इसमें कोई शक नहीं रह गया। आप मंदिरों के आसपास देखेंगे, आपने हिमाचल में देखा होगा, विश्व हिंदू परिषद हमारे मंदिरों में मुसलमान लड़के से हिंदू लड़की का विवाह करवाया। तो ये एक, इसलिए मैंने नास्तिक कहा है, क्योंकि ये न वेद मानते हैं, न धर्म मानते हैं, न मूर्ति मानते हैं, न मंदिर मानते हैं। तो अब ये यात्रा जो हुआ है, ये क्या खबर है, पहले खबर बताता हूँ, फिर उसके पीछे बताता हूँ। आरएसएस का 40 सदस्यीय दल अंतर्वेदी परिक्रमा में आने वाले मंदिरों की जानेगा हकीकत। ये क्या है, ये ASI सर्वे है, इनके पास कहाँ से बुद्धि आई, ये मंदिर के बारे में इनको कितनी बुद्धि है कि हकीकत जानेंगे। ये विद्वान है, इनको आज तक इन्होंने ढंग की एक किताब न लिखी न पढ़ी, ये किस तरह के विद्वान है कि मंदिर ये देखेंगे। जो लोग गए हैं उनका कोई एकेडमिक रिकॉर्ड है, कोई पुरातात्विक रिकॉर्ड है, जब नहीं है तो ये मंदिर की हकीकत क्या जानने गए हैं, तो उसके पीछे कहानी है। ये ब्रज 84 कोष अंतर्वेदी परिक्रमा के अंदर आने वाले मंदिरों के विकास के लिए आरएसएस, अब आरएसएस कैसे विकास करेगा, खुद तो गुरु दक्षिणा पर जीने वाली संस्था है, ये कैसे विकास करेगा। तो ये सरकार का जो लोग हम आप दिखाते हो, लोग देखते हैं संघ भाजपा के सर फुटव्वल हो रहे हैं, असल में हो नहीं रहे हैं, धंधा चल रहा दोनों का, बस वो सर फुटव्वल करके लोगों के, हिंदुओं के गुस्से को थोकते हैं। तो ये विकास कौन करेगा, मोदी सरकार या योगी सरकार, उसका जायजा कौन लेने हैं, हकीकत जानेंगे कि मंदिर कैसे बना है, कितना किस वास्तुकला से बना है, कुछ इनको बुद्धि है, किस भगवान भगवान के प्रति इन लोगों में क्या आस्था है, कुछ कुछ नॉलेज है, लेकिन ये गए हैं। तो 40 सदस्यीय दल सर सह सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल के नेतृत्व में 4 दिवसीय यात्रा पर मंथुरा पहुंचा है। ये कृष्ण गोपाल आपको दिख रहे हैं और रामलाल दिख रहे हैं, जिनकी अपनी भतीजी का विवाह मुस्लिम परिवार में है, वो हमारे मंदिरों के हकीकत जानने गए, विकास करेंगे हमारे मंदिरों का, गजब नाटक है भाई। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अधिकारियों के साथ इस दल ने ठाकुर श्री बांके बिहारी के दर्शन कर अपनी यात्रा आरंभ की। यह दल 4 दिनों तक अलग अलग मंदिर में दर्शन करके हकीकत से रूबरू होगा, यानी कहां कहां कौन कौन मंदिर तोड़ने जाने हैं उसको ये चिन्हित करेगा। और आरएसएस के नाम पे तो हिंदू इनके पीछे पीछे लग जाते हैं, तो कोई विरोध होगा नहीं, और सारा रैकी करके, ये रैकी करने गए हैं, रैकी करके सरकार को रिपोर्ट देगी, ये सब तोड़ दो, हमारे लोग हैं सब संभाल लेंगे, काशी और अयोध्या महाकाल उदाहरण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल के नेतृत्व में स्वयंसेवक और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अधिकारी 4 दिन की ब्रज यात्रा कर रहे हैं। यह दल ब्रज के प्राचीन मंदिरों का दर्शन करेगा और वहां की स्थिति का जायजा लेगा, यानी मंदिर कितने पुराने हैं, तोड़े जाएंगे नहीं तोड़े जाएंगे, सब देख रहे हैं। करीब 40 सदस्यीय यह दल 4 दिन रहेगा। सर कार्यवाह के संग अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख रामलाल, घर जिनसे संभला नहीं वो मंदिर संभालने चले हैं, बड़ी सुंदर बात। रामलाल सहित अन्य स्वयंसेवक और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्र अन्य अधिकारियों के साथ बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। इसके बाद वहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की सुविधा प्रदान की जा रही है, इसकी अब श्रद्धालुओं को कैसी सुविधा मिल रही है इसकी जानकारी ली। आप क्या हो, किस हैसियत से गए हो, यानी ये मंदिर तोड़वाने के पहले का उपक्रम है सारा, कुंज की गलियां जो उखाड़ी जाएगी तोड़ी जाएगी, काशी और अयोध्या की तरफ विध्वंस किया जाएगा, उससे पहले आरएसएस अपने, जैसे उन्होंने, आपको ध्यान होगा कि बाबरी मस्जिद की सुरक्षा में हाफ पैंटधारी लाठीधारी को लगाया था, वैसे ही व्यवस्था करेंगे कि सब हिंदुओं को शांत रखना, कि आपका काम होने जा रहा है, अब भला होने जा रहा है, तो आप शांत रहिए। बांके बिहारी मंदिर के बाद राधा बल्लभ, राधा दामोदर, राधा रमन मंदिर भी यह दल गया। इसके बाद टकिया स्थान गया, हसानंद गौशाला का निरीक्षण किया। जो कहते हो कि सामाजिक समरसता के लिए गोमांस बीफ खा सकते हैं, कौन बोला, मोहन भागवत। राम माधव क्या बोला, बीफ का धर्म से कोई लेना देना है। सारे जो संघ के कई पदाधिकारी कह चुके हम नॉर्थ ईस्ट में खाते हैं, ये गौशाला का दर्शन करने गया। आप सोचिए, मंगलवार को यह दल गरुड़ गोविंद, श्री कृष्ण जन्म स्थान, चिंताहरण महादेव, ब्राह्मण घाट और बलदेव जाएगा। इसके साथ ही रसकान समाधि का भी निरीक्षण होगा। अब रसकान के नाम पर यहां से क्लोरिज्म का भी झुंझुना ये करेंगे।
बुधवार को अपनी यात्रा की शुरुआत राजस्थान के आदि बद्री से कल जो है हुआ। ये लोग काम वन नंदगांव होते हुए बरसाना पहुंचे। शाम को यह दल डीग के लिए रवाना हुए। दल के सदस्य एक घंटे तक वहां मौजूद मंदिरों के दर्शन करे। यहां से वह लोग पुंछड़ी के लौटा जाएंगे और गोवर्धन राधा कुंड के दर्शन कर विश्राम करेंगे। पुंछड़ी के लौटा में जो आपको मैंने बताया था एक धनानंद के बारे में, जो धनानंद ने एक भाजपा के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार को मोहित करके और ये पूरा जो तोड़वाया था, विध्वंस करवाया था, जिसको एक्सपोज करने पर मेरे पे FIR किया गया। आप लोगों को पता है नहीं पता है मालूम नहीं, मुझ पे मथुरा के थाने में FIR किया गया, बकायदा धाराएं लगाई गई मेरे ऊपर, जेल में ले जाने की व्यवस्था की गई मेरी, मुझे पुलिस वाले हमारे ऑफिस आए, हम नहीं बताते, बितंडावादी जैसे बताते रहते हैं, तो पुलिस आई हमारे ऑफिस, हमने सम्मान किया, नोटिस रिसीव किया हमने, और नोटिस जो है मैं, मेरे पास नोटिस की कॉपी अगर होगी तो मैं दिखा भी दूंगा, अमरदीप को कहूंगा FIR दिखा देगा, तो नोटिस भी हमको आया। उसके बाद हम मथुरा के थाने गए और मथुरा के थाने जाके पुलिस से मिले, क्या नहीं, मैंने कहा जो करना है करो, और उससे पहले मैंने मदद लेनी चाहिए एकम का जो स्थानीय लीडरशिप है, स्थानीय लीडरशिप ने मुझे गुमराह किया, जो बाद में किसी और पार्टी से मिले हुए मिले लोग गुमराह किया, पैसे भी मेरे लिए, ओरिजिनल बात बताऊं, पर उसमें ना तो कोई जमानत डाली गई ना अग्रिम जमानत डाली गई, कुछ नहीं, इतना टहला है, आप सोचो कैसे लोग सब पार्टी में आए थे, मैं खुद गया थाने के, मैं जर्नलिस्ट हूं साला, इतना रोज मैं देख चुका हूं लाइव पूरा, इतने तो थाने कोर्ट कचहरी हुए हैं हमारे, और वहां सारे कुछ हमने दिए, प्रमाण दिए, सब दिया जो जर्नलिस्ट हूं, फिर जाके उन्होंने FIR करके और सारी रिपोर्ट, मेरी रिपोर्ट आगे ऊपर तक लगाई गई, सारे प्रूफ की उन्होंने प्रूफ के साथ रिपोर्टिंग की है, नहीं तो मेरे ऊपर FIR कराया गया था विभिन्न धाराओं में। तो ये ऐसे लोग हैं, ये पुछड़ी के लौटा में मुझे याद आ गया। फिर गोवर्धन कुंड गए, ये RSS पदाधिकारी गोवर्धन में पौधारोपण करेंगे, रे बच के रहो भाई, और फिर भगवान गोवर्धन नाथ का दूध से अभिषेक करेंगे, ये धर्म नहीं मानने वाले हैं, तो बच के रहो कालनेमियों से। संघ के शीर्ष पदाधिकारी और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अधिकारी यात्रा, ब्रज तीर्थ विकास परिषद मतलब सरकारी जो तोड़ेगा ब्रज को पूरा। इस यात्रा के बारे में ना तो RSS के कृष्ण गोपाल और रामलाल ने कुछ बताया, नहीं ब्रज तीर्थ विकास पदाधिकारी ने, लेकिन माना जा रहा है कि यह यात्रा का उद्देश्य जो है मंथन करना है, ये जो कॉरिडोर बनेगा जनता का क्या होगा उसी में ये लोग ये गए हैं। तो ये आपको ये खबर मिल गई कि संघ जहां पे नाक में उसके गंध लग गया कि यहाँ 100 करोड़ का हमारा ऑफिस बन सकता है, कॉरिडोर तोड़ के मंदिर को विग्रहों को तोड़ा जा सकता है, मलेच्छों को साधा जा सकता है और कुंज गलियों का स्वरूप बिगाड़ा जा सकता है। अब 100 करोड़ क्यों कह रहा हूं, तो आपको ध्यान होगा अयोध्या से, अभी हमने एक लाइव किया था अयोध्या के हमारे जो जिन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस के मुख्य नायक जो है संतोष दुबे जी, उन्होंने अयोध्या में जो बताया, अयोध्या में 100 करोड़ का बिल्डिंग खड़ा कर लिया संघ ने। संघ किस सोर्स से कमाता है भाई,